नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीसा क्लासेस में। मैं नितीश मिश्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ आज बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास है। पहले वाली क्लास में हमने इकाई फर्स्ट में जो पहला टॉपिक था हमारा, हमने उसका अध्ययन किया था और आज इकाई प्रथम में ही जो आपका दूसरा टॉपिक है कि लिखा हुआ भी है यहाँ पे शैक्षिक संस्थान हेतु गुणवत्ता मानक, ठीक है, यानी कि शैक्षिक संस्थान हेतु गुणवत्ता जो है चिंता का एक विषय है आज के समय में और इसका मानक और रूपरेखा क्या होनी चाहिए, यही इकाई प्रथम के, ठीक है, दूसरे टॉपिक में है। तो इसी के हम बात करेंगे। क्लास संभवतः आज और कल ये दो दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इकाई दो चलेगी। तो कहने का सकता है नहीं, सब्सक्राइब करने की आपको समझदार है, लाइक कमेंट शेयर वो आपके हाथ में है, मैं कहूँगा नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना देर के हुए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे शैक्षिक संस्थान हेतु गुणवत्ता। देखिए आज के समय में आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, न मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ ना आप, सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में विद्यालय इतने खुल गए हैं, इतने विद्यालय खुल गए हैं कि हम और आप जब किसी बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो सोचते हैं कि किस स्कूल में नाम लिखवाया जाए बच्चे का, कौन सा स्कूल सही है, ठीक है। बहुत सारे गार्जियन पूछते हैं कि कौन स्कूल में नाम लिखवाई नहीं करवा कर, कौन ठीक हो, अब क्या बताया जाए, क्योंकि हम तो नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो कि कहते हैं ये विद्यालय ठीक, कुछ कहते हैं वो ठीक है। तो यही इसी चीज़ पर हम बात करेंगे आज, यही सारी जो कमियाँ हैं जो गुणवत्ता है इसी पर हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो लिखा हुआ है कि शैक्षिक संस्थान है तो गुणवत्ता, यानी शैक्षिक संस्थान मतलब स्कूलों से है और गुणवत्ता मतलब क्योंकि क्वालिटी यानी आउटलाइन, ठीक है, हमें आउटलाइन पढ़नी है, रूपरेखा पढ़नी है किसकी, शैक्षिक संस्थानों की, ठीक है। तो हम कहेंगे कि शैक्षिक संस्थान हेतु गुणवत्ता हेतु सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा क्या होती है, यानी कि अगर कोई शिक्षा गुणवत्तापूर्ण विद्यालय प्रदान कर रहा है तो हम कैसे किन आधारों पर उसका मूल्यांकन कर सकेंगे कि हाँ ये विद्यालय ठीक है, यहाँ बढ़िया पढ़ाई होती है, कैसे पता करेंगे, तो इसी पर हम बात करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले बात है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ पढ़ाने से पहले, यह हर बार परीक्षा में आता है, जब लांग वाला आएगा प्रश्न उसमें यह प्रश्न जरूर देता है, ठीक, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि हर यूनिट से प्रश्न आते हैं तो यूनिट फर्स्ट से भी इसी से प्रश्न आएंगे, इसीलिए क्या मैं एक दो या तीन क्लास भी ले लूँगा और उसको समाप्त करूँगा अच्छे से समझा करके। और रह गई बात किताबी ज्ञान की, तो किताबों में लिखा हुआ भैया आप मत जाइए विद्यालय, आप घर पर रह के पढ़ लीजिए अगर इतने विद्वान है तो। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी जो हेडिंग होती है वो ठाकुर पब्लिकेशन की या फला किताब से मिलती है, तो हम भी तो ऊपरी ग्रह से आए नहीं हैं, और जो है चीज़ अब कक्षा एक में आप जाएंगे तो वहाँ ए फॉर एप्पल, चाहे हमारे विद्यालय पढ़ेंगे तो भी दूसरे के विद्यालय पढ़ेंगे तो वहाँ ए फॉर एप्पल ही रहेगा, तो कहीं उनके स्कूल में से देख के लिखा हो तो अपने में ए फॉर एप्पल, तो ये गलत बात है ना। जो आपके बीएड के सिलेबस में है मैं वही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक। तो ये ना कहा करिए, आपको समझने से मतलब है, क्योंकि बीएड समझ के लिखने और पढ़ने की चीज़ है, न कि रट्टू तोता बनने की। तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ सरल शब्दों में, उदाहरण दे दे करके, ठीक। तो ऐसा ना कहा करिए कि ऐसा है तो ऐसे है, क्योंकि जो हेडिंग है जो चीज़ें हैं वो हर किताब देखें, किसी पब्लिकेशन किताब देखें, हर जगह आपको चीज़ें सेम मिलेंगी। और मेरा यह प्रयास होता है कि मैं कई जगहों से मैटर एकत्र करके आपके समझ प्रस्तुत करूं, आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूं, ठीक है, आपका भी सहयोग रहता है, अच्छा लगता है। तो देखिए बात करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर रूपरेखा देखें तो सबसे पहले बात आती है उद्देश्यों का निर्धारण व प्राप्ति, ठीक। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, परीक्षा में आप जाते हैं, परीक्षा में आप लिखते हैं, कहते हैं अच्छा अंक नहीं मिला, मैं तो खूब लिख के आया था, काफ़ी भर के आया था, लेकिन मुझे 57 नंबर मिला है, 55 नंबर मिला है, ठीक है। लेकिन आप लिखते हैं, मैंने आपको बताया भी था, अभी मैंने वीडियो डाला था कम्युनिटी बॉक्स में कि कैसे लिखी जाए परीक्षा में कापियाँ बीएड के लिए, तो उसमें जब आप बनाते हैं, जब इसको लिखेंगे आप, तो इस तरह का अगर डायग्राम आप बनाते हैं लास्ट में तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं, या तो शुरुआत बनाइए या तो लास्ट बनाइए, लेकिन बनाइए डायग्राम जरूर, ठीक है। बनाएंगे तो जाना अगर पढ़ेगा भी नहीं पूरा मैटर, तो अगर सिर्फ चित्र को देख लेगा तो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं या आपको सारी चीज़ें याद हैं, इसे थोड़ा डायग्राम बना करके लिखा करिए, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
आउटलाइन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा। तो आउटलाइन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन सबसे पहला है उद्देश्यों का निर्धारण और प्राप्ति। देख किसी भी बात कर रहे थे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कैसे होगी, जब उसके उद्देश्यों का निर्धारण होगा किसके अनुरूप, समाज के अनुरूप, क्योंकि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। आप जानते हैं जिस तरह का समाज होता है उस तरह के विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि उद्देश्यों का निर्धारण जो हो विद्यालय में, जो उद्देश्यों का निर्धारण किया जा रहा है वह समाज के अनुरूप हो, इससे पता चले कि शिक्षा किस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो जो उद्देश्यों का निर्धारण हो वह समाज के हित में हो, देश के हित में हो, बालक के हित में हो, ऐसी शिक्षा जो होती है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है, जो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, बालकों की रुचियों को ध्यान में रख करके निर्धारित की जाती है, ठीक है, वह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होती है। आगे देखेंगे हम संसाधनों की व्यवस्था। देखिए सबसे बड़ी बात संसाधन की है। हमारा विचार है कि हम एक विद्यालय खोल दें, हमने मकान बनवा दिया, लेकिन बिल्डिंग बनवाने से ही सब चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए। संसाधन का मतलब है आप एज ए फैसिलिटी कह सकते हैं, जैसे कि डेस्क है, बेंच है, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है, उसके बाद आपके टॉयलेट है, हैंडपम्प है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वह संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो संसाधन मतलब कि सुविधा, तो विद्यालय में सुविधा भी होनी चाहिए। अगर जेकर विद्यालय में सुविधा नहीं ओकर विद्यालय में एडमिशन भी नहीं होता है, ये बात जानते हैं आप खुद ही। लेकिन अरे उनका तो बसा नहीं चल, कैसे होता लड़का दूर जाई पढ़ाओ, तो ठीक है लेकिन वहाँ बसिए नहीं चलत, कैसे जा रही लड़का पढ़े बदे। अच्छा बोल ठीक है लेकिन उनका पानिए पिए बदे ना, गंदा पानी आवेला, लड़का बीमार हो जाए ना जी पढ़े। ऐसे लोग आपस में गाँव देहात में बात करते हैं, ठीक है, तो इसका भी असर पड़ता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए। संसाधन का मतलब यह है, संसाधन दो हैं, पहला है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा, देखिए लेक्चर ही मैं दूंगा, आपको अपने से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आप अपने से नोट्स बनाएं, जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद उसको अपने शब्दों में आप स्वयं लिखिए, क्योंकि बीएड के आ गए हैं आप, वो भी बीएड आपका द्वितीय सेमेस्टर, एक सेमेस्टर बीत गया है, तो खुद से नोट्स बनाइए, मुझसे पीडीएफ की आशा मत रखा करिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। तो आगे बात करेंगे भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन का मतलब ये है कि भौतिक, जैसा कि सजाते कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो यह जगत है यह क्या है, भौतिक है। तो भौतिक मतलब ये है कि विद्यालय की जो बिल्डिंग है, विद्यालय की जो रूपरेखा है, ये खेल का मैदान है, पुस्तकालय है, प्ले ग्राउंड है, ठीक है, वाचनालय है, ये सभी आपके भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि विद्यालय में विद्यालय का भवन अच्छा होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, वाचनालय होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, ये सभी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक। आगे देखेंगे मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन का मतलब यह है कि विद्यालय की बिल्डिंग हो गई, पुस्तकालय हो गया, वाचनालय हो गया, क्रीड़ा मैदान हो गया, सब हो गया, लेकिन जो शिक्षक हैं वह कम हैं, तभी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक शिक्षक आएगा, एक विद्यालय में कक्षा 8 तक है, शिक्षकों की संख्या 6 है, तो दो क्लास संख्या खाली रहेगी, या एक शिक्षक के ऊपर प्रेशर रहेगा कि इसमें पढ़ाए उसमें पढ़ाए, ठीक। तो शिक्षकों की जो संख्या है वह मानवीय संसाधन, यानी जो शिक्षकों की संख्या है, ड्राइवर हैं उनकी संख्या है, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या है, वह बराबर होनी चाहिए, वह छात्रों के अनुपात में सही होनी चाहिए। यह कह रहा है मानवीय संसाधन। तो संसाधनों की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की क्या है, रूपरेखा है, ठीक। आगे देखेंगे सतत आकलन। सतत आकलन का मतलब ये, जैसे कि आप देखते होंगे कई विद्यालयों में जब पोस्टर लगते हैं तो लिखा जाता है, कोचिंग में भी अधिकतर मैं देखा हूँ, साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था मतलब क्या है, वह जताना चाहता है कि हमारे यहाँ हर सप्ताह वार रविवार को या किसी एक दिन टेस्ट होता है, ठीक, इसलिए हमारे यहाँ नाम लिखवाइए, हमेशा जांच करते रहेंगे आपका बालक कितना पढ़ रहा है, आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहेंगे। तो वही आकलन है, और ये आकलन आपको अच्छे समय जब आनंद सर आपको पढ़ाएंगे अधिगम का आकलन, तो आपको अच्छी तरह के और समय आएगा। तो सतत आकलन का मतलब ये है कि बच्चे का समय समय पर क्या करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए, उनकी परीक्षा लेकर के मौखिक या लिखित हमेशा आकलन करना चाहिए। इसीलिए गार्जियन भी कहते हैं कि वहाँ पे हर मंथली टेस्ट होता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो विद्यालय ठीक है, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई कैसे होती है, क्योंकि वहाँ पर सतत आकलन होता है, संसाधन व्यवस्था है, वहाँ के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वह समाज के अनुरूप हैं। समाज के अनुरूप मतलब वहाँ इंग्लिश मीडियम कॉलेज है, वह स्कूल इंग्लिश मीडियम है, और समाज आदमी इंग्लिश के तरफ ही भाग रहा, आप देख ही रहे हैं, ठीक। तो हिंदी मीडियम जो विद्यालय है उनकी हालत एकदम खस्ता है। तो वही कह रहा है कि वहाँ पर संसाधन व्यवस्था है, सतत आकलन होना चाहिए और उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए, उनकी प्राप्ति भी होनी चाहिए। यह आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की
रूपरेखा है, आउटलाइंस हैं। आगे देखेंगे हम शिक्षक निष्पादन। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चूँकि आप जानते हैं शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी का मतलब यह है कि इसमें तीन ध्रुव आते हैं, एक होता है आपका शिक्षार्थी, एक होता है आपका पाठ्यक्रम, एक होता है शिक्षक। इन तीनों में से कोई एक भी निकाल देंगे तो शिक्षक की प्रक्रिया पूरी तरह से संपादित नहीं हो पाएगी। तो शिक्षक का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण गुणतापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा में क्या योगदान होता है। जो शिक्षक आए अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है तो जो शिक्षक होते हैं वह मानक के अनुरूप नियुक्त होने चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही है, यह बीएड के भी कॉलेज की अंदर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कहते हैं ना ए वाले बीएड कॉलेज में बहुत बढ़िया पढ़ाई हो ले, तो बढ़िया पढ़ाई काहे हो ले, कहा वहाँ पर जो टीचर हैं वह क्या है, गुणवत्तापूर्ण हैं, वह एमएड हैं, वह नेट हैं, ठीक है, या उन्होंने पीएचडी किया हुआ है। अब कोई बीएड कर लिया उसी को रख दिया उसी पढ़ाने के लिए, तो बेचारा क्या पढ़ा पाएगा, ठीक है, या पढ़ा ही पाएगा तो जो मानक है वह पूरा नहीं कर पाएगा, या जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा वह अध्ययन नहीं किया हुआ है। तो जो एमएड हैं, नेट हैं, क्वालिफाई किए, अगर उनको मौका दिया जाएगा तो वह उस बीएड या बीए एजुकेशन किए हुए डिग्री लिए हुए छात्र से अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए कर रहा है कि जो शिक्षक हैं वह क्या हों, वह एक मानक के अनुरूप उनकी भर्ती की जाए, विद्यालय में नियुक्त हों। और जो शिक्षक हों वह आदर्श, वह अपना एक अलग आदर्श प्रस्तुत करें छात्रों के समझ। ऐसा नहीं है कि लोअर टी शर्ट पहन के चले आए, ठीक, तो ऐसे शिक्षक नहीं होने चाहिए, ठीक है। शिक्षक जो हों मानक के अनुरूप हों, अपना आदर्श छात्रों के समझ प्रस्तुत करें। आगे हम बात करेंगे कि जो शिक्षक हैं वह आज के समय के तौर तरीकों को देखते हुए शिक्षा प्रदान करें, मूल्य आज के जो मूल्य हैं, संस्कृतियाँ हैं, उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक होने चाहिए, तभी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा बन सकती है। आगे देखेंगे हम क्रियान्वयन व जवाबदेही। क्रियान्वयन व जवाबदेही का मतलब यह है कि जो भी शिक्षक हैं या वहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय हैं या व्यवस्थापक महोदय हैं, जो भी हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए। जैसे कि बच्चे कम अंक अर्जित कर रहे हैं, अगर हाई स्कूल इंटर तक है और हाई स्कूल इंटर का जो परसेंटेज है वह ऐसा डाउन हो रहा है, तो उनकी जवाबदेही तय की जाए कि वह ऐसा क्यों हो रहा है, नंबर क्यों घट रहे हैं, क्या अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है, या विद्यालय में अगर कोई घटना घट जाए तो उस पर भी जवाबदेही उनकी तय की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तब तो विद्यालय सही ढंग से चल पाएगा। अन्यथा अगर मनमानी रहेगी तो प्रिंसिपल भी सोचेगा कि हमारे घर के बच्चे थोड़ी ना है, चलने जैसे चल रहा है, कोई नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्रियान्वयन व जवाबदेही भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक क्या है, महत्वपूर्ण रूपरेखा है, ठीक। अब आगे बात करेंगे हम, लास्ट में ही चल रहे हैं आगे, मूल्य एवं संस्कृति। देखिए मूल्य एवं संस्कृति का मतलब ये है कि जो हमारे समाज के मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, उनको भी विद्यालय को समय समय पर शिक्षा के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। सर उसको चला दिए, क्यों बंद कर दिए हैं, चलिए ठीक है। आगे देखिए तो मूल्य एवं संस्कृति की हम बात करें अगर, तो मूल्य एवं संस्कृति का मतलब यही है कि जो संस्कृति हमारी है, ठीक है, तो वह आज की संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति हमारी है, ठीक, और हम किधर जा रहे हैं, हम पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। अब सर को बच्चा अगर देखता है तो वह क्या कहता है, वह नमस्कार नहीं कहता है, वह कहता है गुरुजी गुड मॉर्निंग, ठीक है, बाय टाटा, इसमें हम अब चले गए हैं। पहले क्या होता था, पहले जो बच्चा था वह झुक करके प्रणाम करता था, ठीक है, लेकिन आज जो प्रणाम करने का तरीका है वो आप जानते हैं घुटने तक आ गया है, ठीक है, बच्चा लटकना नहीं चाहता है, ठीक। तो यही सब चीज़ें हैं, हालांकि आपको लगे कि मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ, लेकिन मैं भटक नहीं गया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जो मूल्य एवं संस्कृति हमारी है, तो मूल्य एवं संस्कृति की भी शिक्षा दी जानी चाहिए, विद्यालयों को सिखाया जाना चाहिए कि आप घर से नहा करके आइए, ताज़ा भोजन करके आइए, उसके बाद अपने माता पिता का पैर छू करके आइए, अपने बड़ों का सम्मान करिए। तो जो मूल्य और संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है, इसका भी ज्ञान जो शिक्षा प्रदान कर रही है, वह जो शिक्षा है वही एक असली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, ठीक है, अन्यथा वह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं करा सकती जो अपने मूल्यों और संस्कृतियों का ध्यान न दे करके शिक्षा प्रदान करे। चूँकि आज का जो बालक है, आज का जो मानव है, वह पढ़ने में तो बहुत तेज है, लेकिन सामाजिक ज्ञान है कि समाज में किससे कैसे बात करना है। अभी एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी एक मैंने व्यक्ति को देखा जो कि इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं, और वे अपने दादाजी को गाली दे रहे थे। सोचिए, अब इंटर कॉलेज प्रवक्ता होकर के ऐसी हरकत कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास सामाजिक ज्ञान नहीं है,
उनके पास ज्ञान है पुस्तकीय ज्ञान, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं है। इसलिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो मूल्य एवं संस्कृति को प्रदान करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम अधिगम संप्राप्ति। अधिगम संप्राप्ति का मतलब है, अधिगम मतलब जानते हैं आप सीखना, और संप्राप्ति का मतलब है कि अधिगम यानी जो सीखा हुआ है वह कितना प्राप्त हुआ है। तो अधिगम संप्राप्ति का अर्थ यह है कि जब पूरा शिक्षण कार्य हो जाए तो अंतिम में बालक का मूल्यांकन करना, जैसे हम आप एक सेमेस्टर पढ़ लेते हैं परीक्षा होती है, उस तरह हर विद्यालयों में जो भी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण है वहाँ पर समय समय पर, ठीक है, सत्र के अंत में या सेमेस्टर के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि कितने अधिगम की प्राप्ति हुई है तथा क्या कमियां हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि शिक्षक अपने जो शिक्षण कार्य है उसमें भी बदलाव करता है। शिक्षक अगर व्याख्यान विधि का यूज हमेशा कर रहा है तो व्याख्यान के जगह क्या करेगा, व्याख्यान सा प्रवसन विधि का प्रयोग करेगा कि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यही सब चीज़ें हैं जो अधिगम संप्राप्ति का मतलब है कि बालक ने कितनी अच्छे से कितने अच्छे से अधिगम किया हुआ, कितना अच्छे से सीखा हुआ है उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, परीक्षाओं के माध्यम से। तो यह तो बात हुई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा। इतनी सब सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाकर के एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा बनती है और गार्जियन एकदम आसानी से या कोई आसानी से कहता है कि वहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई होने का कारण यह है कि उसने एक दो तीन चार पाँच छः सात उसने इन सातों बिंदुओं पर ध्यान दे करके उस विद्यालय प्रबंधन कमेटी ने इन सातों बिंदुओं पर ध्यान दिया है अच्छे से और सुचारू रूप से विद्यालय को वह क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, अगर अभी आप संसाधन व्यवस्था न रखें, टीचर को अच्छे रख दें, माली मानवीय संसाधन भौतिक संसाधन है या नहीं है, अब आप बोरा बिछा कर पढ़ाएंगे, टाट बिछा कर पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक, सतत आकलन, आप समय समय टेस्ट न लेते रहें तो भी कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जब विद्यालय में टेस्ट होगा ही नहीं तो बच्चों में डर नहीं होगा, डर नहीं होगा तो पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो कमज़ोर होंगे, तो घर शिकायत आएगी गुरु जी के लिए कुछ पढ़ता नहीं बा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो समझ गए होंगे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा क्या है, इतना समझाने के बाद इसकी साथ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, इरेज करके हम आगे देखेंगे कि सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु लागू किए गए कार्यक्रम, यानी भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए उन्हीं के बारे में बात करेंगे। संक्षिप्त चर्चा है, ठीक है, ज़्यादा विकसित नहीं है, और अगर आप बुक ले रहे हैं तो बुक में देखेंगे तो कई विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, पढ़ लेंगे तो नुकसान करेगा नहीं, लेकिन जो आपके परीक्षा के चीज़ है कि यह इतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं इस यूनिट को और अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी एक दो क्लास अभी आपको और मिलेगी जिसमें कि पूरी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त रूप में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले भारत सरकार के MHRD ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना नामक, कौन सा कार्य योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, कार्य योजना, इस नाम का एक प्रकाशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए निकाला था। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो लागू की गई थी उसको अमल में लाने के लिए, उसको संचालित करने के लिए एक प्रकाशन निकाला जिसका नाम था, टॉपिक था, हेडिंग थी शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना, इस नाम से प्रकाशन निकाला जिससे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रभावी ढंग से संपादित हो सके। तो प्रभावी ढंग से संपादित हो सके, अब कहेंगे इसमें है था क्या, इसमें था क्या, जब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा आगे आपके इकाई तृतीय चतुर्थ में है तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था क्या। फिलहाल ये देखेंगे हम कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जानते हैं कि समय समय पर, जैसे कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, NEP 2020, ठीक, इसी तरह उसको 1986 में भी लागू की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम जिसमें शिक्षा नीति के पालन हेतु अनेक सुझाव दिए गए थे। ठीक, 1986 से 2020 के बीच बुक में देखेंगे तो पुराना मैटर दिया हुआ है, अब आप अपडेट कर लीजिए 1986 से वर्तमान समय की बात कीजिए कि 1986 से लेकर 2020 यानी नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले 1986 से 2020 की अवधि में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं, नाम इसका बदल गया है, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई योजनाएं लागू की जिसमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नवत लिखी हुई हैं।
पहली योजना है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि उसमें 1986 से लेकर 2020 तक के बीच में जो प्रमुख योजनाएं लागू की गई हैं धरातलीय स्तर पर हमें दिखाई देती हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जो सरकार ने कार्यक्रम लागू किए उसे सबसे पहला था कि बाल केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षा पाठ्यक्रम केंद्रित न हो, शिक्षक केंद्रित न हो, बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षा चले। बालक का मन नहीं है पढ़ने का तो बच्चा आज नहीं पढ़ेगा, उसको आज संगीत ही सुनाइए, कहानी के माध्यम से पढ़ाइए, कहानी सुनाइए, ठीक। तो बाल केंद्रित शिक्षा, बालक की रुचियों आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की गई। दूसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से विद्यालय में, हर विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड के दिया गया, ब्लैक बोर्ड के साथ चाक डस्टर, उसके बाद चार्ट नक्शे, ठीक है, इन सभी की व्यवस्था की गई। आगे देखेंगे हम सेवाकालीन प्रशिक्षण सेवाएं। अध्यापकों को, जो अध्यापक थे प्राथमिक में, उनका समय समय पर सेवा के रहते हुए प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई, कि समय समय पर उनको निर्देश दिया जाए कि इस तरह उन्हें शिक्षण कार्य करना है, BRC में बुला करके या जिला में कैंप लगवा करके। आगे शैक्षिक टेलीविज़न, यानी आप जानते हैं कि हमारे TV पे कई सारे शैक्षिक चैनल भी हैं, जैसे कि MHRD 01, MHRD 02, ऐसे करके लिखा होता है, अब देखेंगे तो अपने DD-FDD पे भी उपलब्ध है। तो वहाँ पर हमेशा शैक्षिक शिक्षा की बात ही आती है, हमेशा शिक्षा संबंधित चीज़ों का प्रसारण किया जाता है, तो इसका प्रसारण किया गया जिससे कि शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण बन सके। आगे कंप्यूटर की तकनीक, आज का जमाना कंप्यूटर का, इसको देखते हुए 1986 में जो विद्वानगढ़ थे, 1986 में शिक्षा नीति का कार्यक्रम लागू किए, उनको समझ में आ गया था कि आगे आने वाला समय कंप्यूटर का है, और उसके देखते हुए कंप्यूटर की तकनीक का भी शिक्षा में समावेश किया गया जिससे कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण बन सके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। शैक्षिक संस्थान हेतु गुणवत्ता में आज हमने जाना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा क्या होती है, ठीक है, आउटलाइन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और उसके बाद आज हमने जाना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी प्रमुख योजनाएँ लागू की हैं, ठीक है। अब हम आगे क्लास में बात करेंगे इसी पर, लेकिन अब आगे क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।